अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद इलियास पाशा है। मैं वीवो सेंटर बोल के दोस्तों गूगल में सर्च करा तो अमीरपेट पे बता मेरे को वीवो सेंटर वो, मगर वो वीवो सेंटर नहीं है, श्रीराम बोल के है उनका। ये श्रीराम यहाँ गूगल मैप पे मैं सर्च करा तो इनका यहाँ पे दोस्तों वीवो सेंटर बोल के बताया, तो मैं उनके पास मेरा फ़ोन फूट गया था, डिस्प्ले और बैक कवर मेरा फूट गया था। तो मैं ये डिस्प्ले बैक कवर दोस्तों को बनाने के वास्ते जा दिसंबर की 27 को मैं फ़ोन दिया उनको, तो उनके पास दोस्तों उन्होंने बोले 15 दिन का टाइम लिया मैं डाल के देता हूँ बोल के ब्लू कलर में। फिर मेरे को 15 दिन के बाद कॉल करके बोले कि भाई ब्लू कलर में नहीं है, ब्लैक में है, पर्पल में है, वो तो बोला नको डालो बोल के बोला मैं उनको, और मेरा फ़ोन ओपन करने का उनको परमिशन भी नहीं दिया था। फिर मैं उनके पास दोस्तों 28 को जाके मेरा फ़ोन लेके आया, पेपर वर्क की 28 के दिन मैं फ़ोन लेने के वास्ते गया, मेरा पूरा एयरपोर्ट का डाटा है उसके अंदर, मेरे को दोस्तों कंपनी से फ़ोन आ रहे थे मेल करो बोल के, तो मैं मेरा फ़ोन लेने के वास्ते गया उनके पास। गए बाद दोस्तों उन्होंने मैं उनको जब बिल नंबर काउंटर पे बोला, मेरा बिल नंबर फर्स्ट बिल नंबर मेरा काउंटर पे, मैं दोस्तों ये फर्स्ट बिल है मेरी, इनको काउंटर पे मैं दोस्तों बिल नंबर बोला, मेरा बिल नंबर दोस्तों लास्ट के मैं डिजिट नंबर बोला उनको। उसके बाद दोस्तों मैडम जाके अंदर इन्फॉर्म करे कि वीवो V17 प्रो के कस्टमर आए फ़ोन लेने के वास्ते बोल के बोले नो, कस्टमर के फ़ोन जो सो नीचे काउंटर में ही रहते, मेरा फ़ोन जहाँ अंदर जहाँ सर्विस करते फ़ोन उनकी वहाँ पर फ़ोन रखे हुआ है मेरा। फिर मैं बोलने के बाद दोस्तों मेरे को 1.5 घंटे के बाद मेरा फ़ोन हैंडओवर कर रहे हो, और फ़ोन हैंडओवर कैसा कर रहे हैं, मैं फ़ोन उनको ऐसा दिया भी नहीं था, पूरे लबर्स लगे हुए मेरे फ़ोन को, और ये बीच की बॉडी पूरी चेंज कर दिया, अंदर दोस्तों बैटरी चेंज कर दिए, पोपो कैमरा चेंज कर दिया, पूरा फ़ोन हीट हो रहा, पूरे पार्ट्स मेरे दोस्तों ओरिजिनल पार्ट्स जो फ़ोन के है वो ओरिजिनल पार्ट्स पूरे मेरे चुरा लिए उन्होंने, ये चुरा लिए मेरे पार्ट्स पूरे उन्होंने। उसके बाद दोस्तों मैं 100 को कॉल करा, कॉल करने के बाद दोस्तों 100 से गाड़ी आई एस एन नगर पी एस सी आए बाद दोस्तों दो जवान आए, बातचीत हुई दो जवानों के संगात हुई, बाद दोस्तों जवाना बोले ठीक है आप दोस्तों एस एन नगर पी एस को चलो एस आई साहब से बात करेंगे बोल के बोले। फिर एस आई साहब के नॉलेज में बात ये थी, एस आई साहब बोले ठीक है आपका सामान गया ना, एक बार आप दोस्तों मार्केट में बता लो क्या क्या सामान गया बोल के बोले नो। तो फिर जगदीश मार्केट में बताया मैं, जगदीश मार्केट में ठहर के फिर एस आई साहब को कॉल कराता हूँ ना 1 तारीख के दिन मेरे को, फिर पी एस में बोले एस आई नगर पी एस में ये मार्च की फर्स्ट को दोस्तों मेरे को, फिर पी एस को बोले बी बारा सर बोल के। फिर उनके पास मैं गया, जाने के बाद उन्होंने बोले ठीक है आप दोस्तों हैंडराइटिंग में लिख के दियो, लिख के देने के बाद दोस्तों ने मेरे को इकोनॉमिक कॉपी दिए, इकोनॉमिक ये दिए मेरे को। देने के बाद बोले अगर इनका लैपटॉप अगर फूटता था ना सर, तो ना इमीडिएटली जब मैं 100 को कॉल करे हुआ जो जवान आए थे उनके सामने भी दोस्तों ना बता सकते थे मेरा लैपटॉप फूट गया बोल के, चलो जब नहीं बता नहीं बता 1 आवर्स के बाद जा सकते थे या रात में जा सकते थे, 28 फेब्रुवरी के दिन जा सकते थे, 28 फेब्रुवरी खत्म हो गई, 1 मार्च खत्म होगा, 2 मार्च के दिन उन्होंने रात में 8 या 9 बजे के टाइम पे जाके मेरे पे कंप्लेन कराया उन्होंने, वो भी फेक कंप्लेन, ये मेरे संग मैं इनके उनके खिलाफ कंप्लेन करा मैं तो हक पे हूँ, मैं सच बात बता रहा हूँ, पूरा प्रूफ है मेरे पास, हर चीज का प्रूफ है मेरे पास, उन्होंने कब कब कौन सी बिल दिए मेरे को क्या बात हुई सो हर चीज का प्रूफ है मेरे पास। तो बचने के वास्ते मेरे ऊपर फेक कंप्लेंट कर रहे हैं उसके बाद मेरे ऊपर दोस्तों फेक कंप्लेंट कर रहे हैं अपने को, उन बचने के वास्ते मेरा फ़ोन नहीं बना के देने के वास्ते उन्होंने बचना चाह रहे हैं मेरा फ़ोन नहीं बना के देना बोल के मेरे ऊपर फेक कंप्लेंट कर रहे हैं। अब रही बात दोस्तों मैं कंज्यूमर कोर्ट में दोस्तों मैं कल जाके दोस्तों उनके ऊपर दोस्तों कंप्लेंट करने आ रहा हूँ, उनके ऊपर केस करने आ रहा हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह ताला अपन क्या देंगे इंशाल्लाह, अगर हक पे रहे अपन इंशाल्लाह अपन तो हक पे अल्लाह ताला साथ देंगे इंशाल्लाह ताला अपने को।